वातावरण पूरे अंबिकापुर के अंदर है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा थी। मोदी जी की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस को अपने 50 साल के सरकार का और उनके 4 पीढ़ियों का हिसाब देना चाहिए। इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अंबिकापुर में कह रहे हैं कि TS सिंह को अपने 10 साल के विधायकी कार्यकाल का और उनके 4 पीढ़ी का हिसाब जो कांग्रेस की सरकारें थी उसका हिसाब जनता को देना चाहिए। और दोनों जवाब बिल्कुल नेगेटिव हैं और लोगों को ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस के लोगों में क्या अंतर है। इस बार TS सिंह जी झोला साड़ी कंबल इस तरह के घटकंडे अपना रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है कि उनका जनाधार पूरी तरीके से हिल गया है, डगमगा गया है और अब वो पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, और आने वाले समय में जो यहाँ पर एक बहुत अभाव रहा है एक अच्छे जनप्रतिनिधि का और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि का, जो यहाँ की अव्यवस्थाओं को उचित फोरम पर उठा सके, उसके लिए संघर्ष कर सके और यहाँ के लोगों को एक सुविधा दिला सके। जैसे हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ पर ट्रामा यूनिट नहीं होने के कारण यहाँ हेड इंजरी के लोग, हार्ट अटैक के लोग, उनको रेफर किया जाता है और रोज़ यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं। विधायक TS सिंह ने पिछले 10 साल में अस्पताल में एक पंखा दिया, इसका व्यापक आक्रोश यहाँ पर है और इस बार हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि अपने हॉस्पिटल को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ लोगों की जिंदगी बचे, जिंदगी जाए। एक बड़ा इशू है यहाँ पर, रोड कनेक्टिविटी का भी मामला है, रेलवे आगे बढ़ाने का मामला है, बरवा डीग तक रेलवे लाइन जोड़ने का इशू है, हवाई सेवा शुरू करने का मुद्दा है। ऐसे सभी मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं और गांव से लेकर शहर तक की जो सुविधा है उस पर पूरी तरीके से इस बार जनता को विश्वास है, क्योंकि मोदी सरकार ने और रमन सिंह सरकार ने इस क्षेत्र में विकास करके दिखाया है। तो अब की बार जनता को ये दिख रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, स्टेट में बन ही रही है। आप सब सर्वे में बता रहे हैं कि रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जनता इस बार बिल्कुल उसी दल का ही MLA बनाए ताकि सही और सुचारू विकास हो सके, विरोधी दल के किसी भी व्यक्ति को विधायक